स्वागत है आपके अपने बिट बाय जेट के यूट्यूब चैनल में, नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मॉड्यूलर किचन में अगर आपको जैसे पेंट्री यूनिट की ज़रूरत है तो किस तरीके से लगाना चाहिए और किस तरीके से साइज होते हैं इसमें। साइज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साइज़ हमारा जो बॉक्स बनाया जाता है किस साइज़ का बनाया जाता है, जैसे कि जगह हमारे पास ज़्यादा स्पेस होता है उसमें पेंट्री यूनिट जैसे 2 फुट की जगह हो जाती है तो उसमें किस तरीके से लगाना चाहिए उसका साइज़। अगर आपको जैसे हाइट की भी दिक्कत आती है, जैसे माइक्रोवेव लगाना आपको ऊपर की साइड और नीचे पेंट्री यूनिट 4 फुट वाला जो लगाना है उसका साइज़ किस तरीके से छोड़ा जाता है, उसमें साइज़ किस हिसाब से आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से साइज़ बनाने चाहिए, किस हिसाब से होता अपना बॉक्स की गहराई कितनी रखनी चाहिए और उसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इसमें मैं बनाने इसमें जो अपना लगाने का तरीका मेजरमेंट सारी जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो प्रॉपर देखना, ध्यान से देखना, तभी वीडियो में जानकारी मिलेगी आपको। तो वीडियो में चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे कम हाइट में पेंट्री यूनिट देख रहे हैं आप, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें जो हमारे हाइट कम होती है, जैसे कि इसमें चौड़ाई होती है, चौड़ाई के हिसाब से स्पेस कितना रखा जाता है किस हिसाब से होता, तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे गिलास वाली आपकी बास्केट आती है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा प्रोफाइल लगी भी नहीं आती, इसमें अपनी प्रोफाइल लगी हुई मिलेगी आपको, यू शेप वाली प्रोफाइल। इसमें आपका ग्लास नहीं टूटेगा, जैसे सामान गिर जाता है, भारी सामान होता है तो वो गिरता है तो वो टूटने का चांस खत्म हो जाते हैं। अगर आपका ये जैसे सेल्फ निकल भी जाता है, हाथ में से छूट भी जाता तब भी नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत होता है। आप देख सकते हैं इसमें लोग जो होते हैं अपने जैसे आपको लगाने, इसमें अपने फिटिंग सारी इसी के अंदर आती है, जो हमारे एक बॉक्स होते हैं इसमें प्राइस आपका कितना आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें साइजेस कितने आते हैं आपके। साइज़ हमारे जैसे कि इसमें स्टार्टिंग साइज जो हो जाता हमारा स्टार्ट साइज़ आपका 450 mm है चौड़ाई का जो होता है, 450 mm होता है, और उसका 600 mm, 900 mm, इस तरीके से साइज़ बढ़ते चले जाते हैं। इसमें आप ले सकते हैं। हाइट में आपका जैसे हाइट कम है तो आप कम हाइट का भी अपना पेंट्री यूनिट बना सकते हैं, जैसे कि पेंट्री यूनिट के ऊपर आपने देखा होगा कम हाइट है, माइक्रोवेव लगाना आपको अपना माइक्रोवेव की जगह छोड़नी है तो किस तरीके से लगाना चाहिए, किस हिसाब से छोटा पेंट्री यूनिट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सामान आ जाता है इसके अंदर भी। इसमें भी हमारे को 4 अंदर सेल्फ मिलते हैं, 4 डोर्स मिल जाते हैं, तो 8 सेल्फ मिल जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सारी फिटिंग इसी बॉक्स के अंदर आती है, बेला कंपनी का आप ले सकते हैं अगर आपको जैसे लगाना है। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, अगर आपको इसकी फिनिशिंग भी अच्छी लग रही है तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी इसकी जो क्वालिटी है, फिनिशिंग है, मजबूती है, काफ़ी अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जैसे पेंट्री यूनिट में दिक्कत आती है, आपने देखा होगा इसमें आपकी जो पत्तियाँ भी होती हैं ये भी लोहे की हैं, इसमें आपको प्लास्टिक का कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक व्हील ऊपर होता है जिसमें कोई लोड नहीं होता, सिर्फ वो अपने बास्केट को अपना लाइन में चलाता है इसलिए होता है। ये देख रहे हैं अपने स्क्रू सारे आते हैं इसके अंदर, पैकिंग कवर इसमें सब कुछ आता है। ये हमारा जो अंदर फ्रेम लगता है, जो हमारी बड़ी बास्केट लगती है, बाकी जो हमारी छोटी बास्केट लगती है वो डोर्स पे लगती है, वो डोर्स में ही अपनी चैनल कस जाती है, उस पर लग जाती है। और ये जैसे आर्म है और अपना जैसे ट्रैकर है हमारा जो ऊपर की साइड लगता है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लगता है, ये चैनल के अंदर ही लगता है, जो हमारा इसमें फ्रेम होता है उसी के अंदर कसना होता है। ये आप देख सकते हैं इसके स्क्रू आपको कहीं से लेने, सभी इसी के साथ आती है सारी फिटिंग। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो कसना है और इसको जब फिट करना है, आपको साइज़ मेजरमेंट किस तरीके से करना है वो सारी जानकारी आप इसमें ही दे सकते हैं। इसमें आसानी से अपना मेजरमेंट करने का तरीका भी लगा अपना ले सकते हैं और आप आसानी से लगा सकते हैं कम समय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिसमें कि आने वाली वीडियो, जैसे नई नई वीडियो बनाते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। आप देख रहे हैं नीचे से अपने ये स्क्रू लगाने हैं, इसमें जो हमारे पेच हैं कसे जाते हैं, चैनल के अंदर जो हमारे इसका कैप होता है चैनल के ऊपर, जिसमें कि धूल मिट्टी नहीं जाती है इसलिए अपना कैप होता है, इसमें इसके नीचे अपनी चैनल होती है, इसी के ऊपर अपना जो कैप है स्क्रू इसमें ही कसे जाते हैं। इसी तरीके से आपको टाइट करने हैं, पूरे प्रॉपर टाइट कर देने हैं आपको। साइज़ आप इसी हिसाब से ले सकते हैं, ये जैसा कि इसका साइज़ 600 mm होता हमारा, तो 600 mm जो होता है, जैसे बास्केट आपने देखा होगा 600 mm की बास्केट बाहर से बाहर नापी जाती है, अंदर जो साइज़ हो जाता है इसमें 565 mm हो जाता है, तो आप इस हिसाब से साइज़ रख सकते हैं mm के हिसाब से। बाकी इंची के हिसाब से रखना तो अपना 2 फीट हो गया बाहर से बाहर और अंदर हो गया आपका 22.5, इस तरीके से आप इसका साइज रख सकते हैं बक्से का। उसकी जो गहराई रखनी है आपको 21 या 22 इंची गहराई रखी जाती है, जो पेंट्री यूनिट होते हैं हमारे 21 या 22, अगर इससे भी ज़्यादा रखते हैं तो चल जाती है
गहराई इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें सबसे मेन चीज़ यह देखना है अपनी आर्म, आर्म इस तरीके से लगानी है आपको, साइज लेने, ये आपको स्क्रू टाइट कर देने इसमें जैसे कि हमारे को ज़रूरत है। ये डोर्स में लगता है, डोर्स में कितना हटा के लगाना सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, इसमें कितना आपको अंदर करके लगाना। मैं आपको एक आसान तरीका ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसको डोर्स को नाप सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं और कितना अंदर करना चाहिए। बल्कि ये 9 इंची अंदर किया जाता है, इसमें जैसे आपको अंदर करके लगाना होता है, जो हमारी नीचे की फिटिंग होती है, जो अपने इसमें चैनल होती है, देख रहे हैं। इसमें मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपको इसमें किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी बास्केट जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे अपने इसमें फैंट्री यूनिट था उसमें लगाने में दिक्कत होता है, तो उसमें अलग अलग साइज थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये आसान तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी जो ये साइड में पत्ती हैं हमारी जो डोर्स पे लगेंगी, इनको लगा के आप बास्केट का साइज गैप इसमें नाप सकते हैं, कितने गैप में आपने रखनी चाहिए इनका, दोनों बास्केट को कम से कम गैप होना चाहिए 1.5 इंची या 2 इंची, इस तरीके से गैप रखना आपको। आपका जो बास्केट आपस में टकराए ना, जिसमें कि आपका बंद होने के बाद भी आपस में अगर लड़ेगा तो उसमें जैसे आपका टकराएगा तो उसमें सामान जैसे कुछ भी रखा होगा तो आपका बास्केट टूटने का चांस रहेगा, ख़राब होने का चांस रहेगा, अगर टूटेगा नहीं तो ख़राब तो होगा, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आपका कब्जे में से निकलेगा डोर्स, तो सारी दिक्कतें आपको परेशानी करती रहेंगी। इस तरीके से ये आपने नाप, इसमें जैसे एल की पत्ती होती है, एल पत्ती होती है, तो ये इस तरीके से होती है आपने जो लगानी है आपको डोर्स पे, तो आपको जो साइज़ रखना है इस प्रकार रखना है, जैसे कि साइड में डोर से हटा के आपको 3 इंची कम से कम हटाना पड़ेगा, 2.5 से 3 इंची के बीच में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बंद करने में कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार लगा सकते हैं और अपना जी साइज़ नाप सकते हैं। आपका जो डोर्स है दूसरी साइड जैसे खोलते टाइम पे आपका 8.5 इंची है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, बास्केट आपकी 8.5 इंची, जैसे हमारा डोर्स घूमता है तो वो इसमें थोड़ा सा अंदर होता है ना बास्केट, तो वो घूमते टाइम पे लगना नहीं चाहिए, अपना बॉक्स के अंदर जो बॉक्स होता है हमारा इसमें अड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार आपको बक्से के अंदर के हिसाब से साइज अपना नापना, ये देख रहे हैं इसी तरीके से आपको पट्टी से मेजरमेंट लेना, इस तरीके से अपना सीधा रखना है और आप ऐसे ही लगा सकते हैं। इसमें जैसे डोर्स में दिक्कत होती है, कुछ मेरे भाई हैं उनको दिक्कत होती है कि इसमें कब्जे जो लगाते हैं हम कौन से लगाते हैं, 0 क्रैंक के कब्जे लगते हैं पेंटी यूनिट में आपके, दूसरा कब्जा कोई नहीं लगता इसमें, इसमें 0 क्रैंक का कब्ज़ा कोई और अलग से नहीं आता, पेंटी यूनिट का वही लगता है कब्ज़ा, आप उसको लगा सकते हैं जो भी साइज पर लगाते हैं आप, जिस हिसाब से डोर चलाते हैं अपने उस हिसाब से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं पत्ती का हिसाब आपका जो लगेगा इस हिसाब से लगेगा, जो हमारा डोर्स में लगेगी पत्ती, जो हमारी इसमें जो बास्केट लगाई जाती है, इस प्रकार लगा सकते हैं। अपना निशान मेजरमेंट आप इस प्रकार ले सकते हैं, ये अपने ऊपर जो हमारे ऊपर का ट्रैकर है उसके लिए होता है ये अपनी पत्ती, और नीचे आपका जो साइज कम से कम जो साइज रखना आपका ये 1.5 इंची 1 इंची 500, इस तरीके से साइज आते हैं इनमें, जो हमारा हटा के लगाया जाता है। बेला कंपनी का जो आपको फिटिंग मिलेगी, इसमें जो लोक मिलेंगे वो लोहे के मिलेंगे, बाकी अदरवाइज किसी कंपनी में लेते हैं प्लास्टिक के मिलते हैं, वो टूट जाते हैं तो मार्केट में नहीं मिलते, सबसे दिक्कत यही होती है सबसे ज़्यादा, वो आपको मार्केट में नहीं मिलता, कोई भी सामान टूट जाता है ये दिक्कत रहती है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जैसे आपको क्वालिटी लोहे के अगर आपको लोक मिलते हैं, जो लोक हमारे यूज़ होते हैं, जैसे आरएम होती है, आरएम में जो पत्ती लगती है, तो वो आपकी जैसे डोर्स में कोई भी अपना डोर्स में जो पत्ती अपने चलाने के लिए बास्केट अंदर की, ये देख रहे हैं अपना 9 इंची, इस प्रकार आपको साइज़ नापना है, अंदर करके लगाना है, पीछे आपको लोक में फंसाना है, जो हमारी चैनल होती है, जो अपनी पत्ती कैप होता है, इसको लोक में फंसा कर इस तरीके से आपको निशान ले लेने अपने मेजरमेंट, इस प्रकार निशान पेंसिल का लगा के अपना मार्क का से किसी प्रकार अपना निशान लेके आप इसको लगा सकते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं यहीं पे, जो हमारा साइज है इसको कितना अंदर करके रखना चाहिए, किस हिसाब से लगाना चाहिए, जो हमारी परिपत्ती है, बाकी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, इस तरीके से आपको इसे टाइट कर देना है। अगर आप इसमें जैसे आगे पीछे वीडियो करके देख रहे हो, उसमें जल्दी जल्दी अगर आपको इसमें साइज में दिक्कत हो जाएगी, ये आप ध्यान से देख लें, अगर आपको आता है तब भी ध्यान से देखें, अगर आपको आसान तरीका लगता है तो इसको ज़रूर जाने किस तरीके से मैंने लगाया, इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं और इसमें इस हिसाब से पेंसिल से निशान ले सकते हैं जहाँ पे भी आपका साइज़ प्रॉपर बैठ गया। बाकी अपना जो ड्राइंग के हिसाब से कुछ मेरे कारपेंटर भाइयों को ड्राइंग समझ में नहीं आती है, तो मैंने ड्राइंग में नहीं समझाया, सिर्फ आपको मैंने ऐसी मेजरमेंट बताया किस तरीके से लगाया जाता है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग में MM में आती है, कुछ साइज उसमें अलग आते हैं, समझ में नहीं आती ड्राइंग, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं पेंट्री यूनिट को अपना। इसमें जैसे कि आपको बड़ा लगाना 6 फुट का लगाना, आपको जो हमारा बड़ा होता 6.5 फुट वाला,
अगर उसको लगाना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगाना है बेला का लगाना है या अपना दूसरे अदरवाइज किसी और कंपनी का लगाना, उसमें फ़र्क देख सकते हैं कितना फ़र्क होता है, किस तरीके से लगाया जाता है। बड़ा जो पेंट्री यूनिट होता है उसकी भी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें अपना जैसे आपको स्क्रू लगाने, ये अपना मेजरमेंट ज़रूर करें, इसमें नापें किस हिसाब से हमने लगाया, इसमें आगे पीछे गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा और साइज़ बराबर होना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें वैसे ही आपको लगाना है। जो हमारे स्क्रू हैं, स्क्रू प्रॉपर टाइट करने हैं आपको, जैसे कि अपना आगे की साइड है चैनल वैसे ही पीछे आपको नापना है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए और ऊपर से अपनी पत्ती कस देनी है। जो हमारी इसमें आप देख सकते हैं एक साइड हमारा इसमें लॉक आता है जैसे प्लास्टिक का कैप, उसको लगा देते हैं। इस प्रकार आपको लगाना है, ये अपना यहाँ पे हमारा जो इसमें चैनल में इस प्रकार कसना है आपको। पीछे लॉक होते हैं, लॉक में अपनी पत्ती फंसनी चाहिए, ये देख रहे हैं अपना। और आगे स्क्रू होते हैं जो हमारे साइडों से कसे जाते हैं, जो साइडों में लग जाते हैं, जिसमें कि आपका ये ऊपर का जो कैप है आगे पीछे नहीं सरकेगा और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसी हिसाब से आपको स्क्रू टाइट कर देने। ये साइडों वाले अपने स्क्रू जैसे कि इसमें आधा इंची के आते हैं जो हमारे चैनल में लगाए जाते हैं, चैनल में और पत्ती में ऊपर का जो बास्केट लगेगी जैसे पत्ती लगेगी तो वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार स्क्रू लगाने आपको। इसमें जो हमारा जगह आती है स्क्रू लगाने की, कितने इसमें स्क्रू लगाने, दो स्क्रू होते हैं दोनों चैनल में, एक एक लग जाता, इस प्रकार आपको लगाना। फिर उसके बाद अपना ये जैसे कि हमारा इसमें बास्केट लगेगा तो आपको आप बास्केट लगा के देख लेना जितनी इसमें बास्केट आती हैं, जैसे चार जो हमारे सेल्फ होते हैं चार बास्केट आती हैं, एक अपने अंदर वाले उसमें जो हमारी लगेगी और फिर उसके बाद अपने बाहर वाले में। इसके बाद अपने ये कब्जे डोर्स लगा देना, जो हमारा डोर्स है डोर्स को आपको जो अपने इसमें कब्जे लगाने जीरो क्रैंक के लगाने हैं, जो हमारे जीरो क्रैंक के फुल टक्कर वाले होते हैं वही कब्जे लगते हैं, इसका कब्जा अलग से नहीं आता, यही आपको लगाना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद अपना जैसे कि हमारी इसमें बास्केट लगेगी, जो हमारी बास्केट बाहर लगेगी डोर्स पे, तो उसके आपको पत्तियां लगानी है और इसे आप से देख सकते हैं। दरवाजे में आपका जो लगाना है, आपका दरवाज़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सही से चलना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि इसमें अपने बास्केट लगाने के बाद जो हमारी इसमें पेंट्री यूनिट में लगने के बाद आपका अड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पेज प्रॉपर टाइट कर देने आपको, जो फुल टाइट करने हैं, कोई सा भी लूज नहीं छोड़ना। आप देख सकते हैं इसी हिसाब से अंदर वाली एक बास्केट लगा के जो बाहर डोर्स पर लगेगी तो उसके लेबल में लगानी है आपको, ये साइज नापना है आपको। और आपको कब्जे की साइड से पत्ती हटानी है, कम से कम 3 इंची हटा कर लगानी है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से आपको एक प्लेन पट्टी लेकर या गुनिया लेकर आप इस तरीके से नाप सकते हैं साइज़, जो हमारे इसमें साइज बास्केट में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आमने सामने ही आना चाहिए। जो हमारा लॉक होता है लॉक में फंसाने के बाद, लॉक में लगाने के बाद जो बास्केट रहेगी वो आगे पीछे नहीं होगी तो उसमें ठीक रहेगा। इस तरीके से आपको लगाना, आप देख सकते हैं इसमें जो ऊपर पत्ती करनी है, अगर नीचे करनी है तो आप मेजरमेंट ज़रूर ठीक तरीके से करें, ये देख रहे हैं अपना। इसके बाद जैसे कि इसमें जो हमारा साइज़ आया है 4.25 इंची, इस तरीके से आपको नीचे से उठा के लगानी पट्टी, जो भी साइज़ आपका आता है उसी प्रकार आपको उठा के लगाना है और साइज़ इस हिसाब से नाप के लगाना आपको। आपको जो साइड में हटाना है, जैसे कि आपका ये जो हमारा बाहर की साइड होता है ये आपका बास्केट जैसे लगेगा तो अड़ना नहीं चाहिए, इस तरीके से आपको डोर्स की साइड में ये अपना जो हमारा बास्केट है इसमें ये 24 इंची वाली बास्केट है, 24 इंची बॉक्स बाहर से बाहर बनता है तो उसको 24 इंची बास्केट ही बोला जाता है, जो हमारी इसमें लगती है 3 इंची आपको हटा कर लगानी पत्ती कब्जे की साइड से। अगर आपका 24 इंची का खाना अपना जो बॉक्स है आपका जो बास्केट का आपने जो जगह बनाई है 24 इंची वाले में, इसी प्रकार लगाना आपको। इसके बाद अपना इधर से देख सकते हैं 2 इंची हटना तो आपका 2 इंची हटा सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत आती है जिसमें जगह है बनती है उसी इस प्रकार अपना हटा सकते हैं। और दोस्तों आपको जो बॉक्स बनाना, बॉक्स का जो साइज़ रखना है ये देखना अपना, इस तरीके से आपको जो आपका साइज़ है साइज़ के हिसाब से आप बास्केट एक बार लगा के देखें, स्क्रू लगाने के बाद अपनी सारी बास्केट चेक करें कहीं पे आपका गैप कम ज़्यादा तो नहीं है। इस प्रकार इसका बॉक्स का साइज़ बनाना आपको बाहर से बाहर 1500 mm हाइट रखनी और चौड़ाई में रखना आपको 600 mm, जिसमें कि आपकी जो बास्केट का साइज़ होता है जैसे कि अंदर अंदर जो हमारा खाना होना चाहिए बास्केट की जो हाइट हो जाती है जो अपने पेंट्री यूनिट की वो हो जाती है 1240 mm, इस प्रकार आपको रखना। ये देख रहे हैं ये हमारी जो इसमें आर्म है, आर्म को इस तरीके से साइज़ पीछे जैसे जितनी हाइट पर उसी प्रकार से आपको लगाना डोर्स में, ये टाइट कर देना। इसके बाद अपना ये चला कर देखना एक बार बास्केट आपका ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, जो हमारा पेंट्री यूनिट है प्रॉपर फिटिंग ठीक है या नहीं है, उसी के बाद आपको बास्केट लगानी है। देख रहे हैं अपना इस प्रकार आपको चेक करना है ये हमारा जो सही ठीक है। अब इसके बाद आपको बास्केट लगा देनी है,
अपनी नीचे भी चेक करनी है। ये पीछे हमारी जो पत्ती लगाई जाती है ऊपर की साइड, जिसमें कि आपने देखा इसमें ट्रैकर जो हमारा व्हील है ऊपर का, तो उसके हिसाब से आप 10 इंची अंदर करके लगा सकते हैं, 11 इंची जो भी साइज आपका बनता है इस हिसाब से ये आपका व्हील उतरने चाहिए चैनल पर। इस प्रकार लगाना आपको ये 10 इंची अंदर करके लगाना है, 11 इंची इस तरीके से लगा सकते हैं। तो हमने जो लगाया था 10 इंची अंदर करके लगाया, जो बाहर की साइड से हमने नापा है, तो इस प्रकार अपना देख सकते हैं। और इसमें एडजस्ट लेवल होता है ऊपर नीचे करने की पत्ती का, इसमें हमारा एडजस्ट लेवल होता है। तो ये आपका अड़ना नहीं चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, ये लूज़ रखना आपको। जैसे कि आपकी व्हील है इसमें बास्केट में जो पाइप देख रहे हैं आप, इसमें अगर व्हील है तो इसमें आपका अड़ना नहीं चाहिए चैनल में, ये देखना अपना इस प्रकार लगाना आपको। लूज़ अपना जो लूजिंग नहीं छोड़नी है, सही तरीके से मिला के लगाना। ये हमारी बास्केट ठीक लग गई है। अब इसकी आरम जो हमारी दूसरी होती है वो दूसरी आपकी हाइट ऊपर से नापनी है आपको बक्से में पीछे की साइड। ये जैसे 19 इंची है तो आगे भी अपना 19 इंची हाइट पर लगेगी, इसी हिसाब से साइज बना कर लगाना आपको और अपने टाइट कर देना। ये हमारा जो आरम है, आरम लग गई है, इसमें जो अपनी पत्ती होती है कमानी बोलते हैं, जो भी जिस भाषा में जैसे आपके यहाँ पर बोलते हैं उस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। बाकी आप इसी प्रकार आपको बास्केट लगा देनी है इसमें। ये कंप्लीट हो चुका है आपका जो पेंट्री यूनिट 4 फुट वाली हाइट का, इसको 4 फुट मार्केट में बोल कर लिया जाता है। इसमें 8 आपके सेल्फ आ जाते हैं, 4 डोर्स पे लगते हैं, 4 अपने अंदर बास्केट में लग जाते हैं। अगर आपको जैसे 6 फुटी वाली बास्केट देखनी है हमारी जो इन अपने पेंट्री यूनिट होता है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप उसका भी अपना मेज़रमेंट ले सकते हैं। अगर आपको जैसे छोटा साइज लेना 450 mm आता है इसमें छोटा साइज, इस प्रकार अपना ले सकते हैं। अगर आपको जैसे बड़ा लेना तो बड़ा इस प्रकार ले सकते हैं, 600 mm तक 24 इंची इसमें आता है 4 फुटे में। और इस प्रकार आपको ये लगा के देखना एक बार, फिर इसमें मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको। ये बेला कंपनी का है, अगर आपको जैसे लेना है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको ये 4 फुट का पेंट्री यूनिट खरीदना है तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप कहीं से भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने ऑर्डर से मंगा सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना, ये प्रॉपर हमारा डोर्स बंद हो चुका है, कहीं पे भी गैप नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और सॉफ्ट क्लोज होता है ये, आराम से बंद होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ये अपना बंद हो गया आराम से। अब इसमें जैसे कि हमारा जो डोर्स है किस तरीके से, इसमें ये आपका ऑटोमेटिक अंदर जाकर बंद हो जाता है, इसी प्रकार अपना बनाना है आपको, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। पीछे गैप नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी हमारा पीछे से ऊपर की डोर्स ऊपर की साइड डोर्स अड़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब देखते हैं बंद हो गया, अब अपना प्रॉपर बंद हो गया, कहीं पर कोई अपनी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अपना लगा सकते हैं, एक बार अपना बनाने के बाद चेक ज़रूर करें साइज़ जो आपको रखने हैं बॉक्स के, तो इन साइज़ों को ज़रूर ध्यान से याद रखें। 1500 mm हाइट रखनी है, 600 mm चौड़ाई रखनी है, आपको बाहर से बाहर नापा जाता है। इसी प्रकार ले सकते हैं अपना बॉक्स बना सकते हैं, बेला कंपनी का पेंट्री यूनिट यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको डिज़ाइन देखना है, डिज़ाइन जैसे कि किचन का मॉडलर किचन आपको किस तरीके से बना रहे हैं, बेडरूम के अंदर का अगर आपको इंटीरियर वर्क करना है किस तरीके से करना चाहिए, लिविंग रूम को भी होता है, तो उसमें डिज़ाइन अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम जो पेज है बुटबुक जैट के नाम से है, वहाँ अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। अगर आपको जैसे फोटो भी देखने हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, जैसे कि हमारा वाटरप्रूफ टीवी यूनिवर्स सभी प्रकार के वहाँ पर डिज़ाइन मिलेंगे आपको। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।